नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवनीत राणा को लीलावती अस्पताल में किया गया भर्ती, बीजेपी नेता किरीट सोमैया उनसे मिलने पहुंचे अस्पताल। भंडारा में युवकों ने की अपने ही दोस्त की हत्या, मजाक पड़ गया युवक को भारी। और दिग्रस में हनुमान चालीसा और नमाज की किताबों का किया गया वितरण। मुस्लिम शिव जयंती उत्सव समिति एवं अमन शांतिदूत परिवार की अभिनव पहल। अब खबरें विस्तार से। अमरावती के सांसद नवनीत राणा को आज भाईखला जेल से रिहा होने के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली हुई जानकारी के अनुसार नवनीत राणा की तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस समय बीजेपी नेता किरीट सोमैया उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे और किरीट सोमैया ने लीलावती अस्पताल में नवनीत राणा से मुलाकात की। संजय राउत का कहना है कि संगठनात्मक निर्माण के लिए हम दौरे करते हैं। कल सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हुए परिणाम के अनुसार 18 महानगर पालिकाओं के चुनाव जल्द से जल्द लेने की सूचना है, इसलिए पूर्व से ही तैयारी चालू थी और इसलिए आगे भी जल्दबाजी करनी होगी। जो कार्यक्रम पूर्व नियोजित है वो हम कर रहे हैं। 14 तारीख को BKC में शिवसेना की बड़ी सभा आयोजित की गई है और 8 तारीख को संभाजीनगर में सभा है। किसी ने कितनी भी परेशानियां पैदा करने का प्रयास किया, फिर भी हमारे संगठनात्मक कार्य पर उसका कोई असर नहीं होगा। शिवसेना किस प्रकार काम करती है यह हिंदू समाज को, महाराष्ट्र की जनता को अच्छे से पता है। आज शाम को हमारी सभा है हड़पसर में। वहाँ की शिवसेना का एक बहुत बड़ा हमारे कार्यालय का उद्घाटन है हड़पसर में। कल भी हमारे सभी पुणे के कार्यकर्ताओं की बैठक है, बाद में हम पुणे ग्रामीण इलाके में जाएंगे। वहाँ जुन्नर, आंबेगाँव, मंचर इस एरिया में शिवसेना के कार्यकर्ताओं से मिलूँगा। तैयारी चल रही है पूरी तरह से। जो पार्टी का काम होता है रूटीन, वही चल रहा है, नई बात नहीं उसमें कुछ। अब पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत दौरा असेल, कोणत्या पार्श्वभूमीवर? नक्कीच संघटनात्मक बांधणीसाठीच आम्ही दौरे करतो। काल ज्या प्रकारचा निकाल दिला सर्वोच्च न्यायालयाने, त्यानुसार मुंबईसह 18 महानगरपालिकांच्या निवडणुका तात्काळ घेण्याचे त्यांच्या सूचना आहेत आणि त्यासाठी तयारी, पूर्वतयारी ही चालूच होती। त्याला आता वेगानं थोडंसं काही पावलं टाकावी लागतील। मुंबई असेल, पुणे असेल, नागपूर असेल, नाशिक, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, संभाजीनगर या महत्त्वाच्या महानगरपालिका शिवसेनेसाठी तर आहेत, महाविकास आघाडीसाठी सुद्धा आहेत। त्याच्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या बैठका, मेळावे, इतर काही कार्यक्रम जे पूर्वनियोजित आहेत ते आम्ही करतो आहोत। त्यानंतर आम्ही पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र या भागामध्ये शिवसेनेचे सगळे खासदार शिवसंपर्क अभियानासाठी निघालेले आहेत। तो एक कार्यक्रम आहे। 14 तारखेला BKC मध्ये शिवसेनेची प्रचंड सभा आहे, मेळावा नाही, सभा म्हणतो। त्यानंतर संभाजीनगरला 8 जूनला फार महत्त्वाची अशी सभा आहे। हे सगळे पक्षाचे कार्यक्रम सुरू होतील आणि हे कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू आहे। म्हणजे कोणी कितीही भोंगे आपटले, भोंगे लावले, तरी त्याचा परिणाम आमच्या संघटनात्मक कामावर होत नाही। शिवसेना काय आहे आणि शिवसेना काय करते हे महाराष्ट्राच्या जनतेला, मराठी माणसाला, हिंदू समाजाला चांगला माहिती आहे। त्याच्यामुळे ती विचलित होत नाही। या राज्याची जनता ती ठामपणे शिवसेनेच्या मागे उभी असते। हरियाणा पुलिस ने देश के कई राज्यों में ऑपरेट कर रहे आतंकी नेटवर्क पर बड़ा खुलासा किया है।
आतंकियों के मंसूबे को लेकर मिले इनपुट्स के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है, क्योंकि इस नेटवर्क का सीधे तौर पर पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। हरियाणा के करनाल से गिरफ्त में आए 4 आतंकवादियों से जो जानकारी मिली है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि हरियाणा से लेकर तेलंगाना राज्य के शहर इनके रडार पर थे। गिरफ्तार किए गए 4 संदिग्ध आतंकियों सस्पेक्टेड टेररिस्ट अरेस्टेड फ्रॉम करनाल से भारी यात्रा में गोलियां और बारूद के कंटेनर बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुख्य आरोपी का पाकिस्तान कनेक्शन है और पाकिस्तान में बैठे आतंकी के इशारे पर ही वो विस्फोटकों को पहले से तय जगह पर पहुंचाता था। इस बार इन्हें विस्फोटक तेलंगाना के आदिलाबाद पहुंचाना था, लेकिन इससे पहले ही आतंकी साजिश का खुलासा हो गया और इन्हें सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट्स के बाद हरियाणा पुलिस ने करनाल के बस्ताड़ा टोल के पास धर दबोचा। 4 आरोपियों से देसी पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस, 3 लोहे के कंटेनर मिले हैं जिनमें विस्फोटक रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक IED भी बरामद हुआ है जिसकी पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा इनके पास से 1,30,000 कैश भी मिला है। ये 4 आरोपी दिल्ली नंबर 1 की कार में थे जिन्हें एजेंसी इनपुट के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से सिर्फ विस्फोटक और हथियार ही नहीं बल्कि नशे की खेप भी आती थी और इसके लिए ड्रोन का सहारा लिया जाता था। ड्रोन से नशीले पदार्थ और विस्फोटक पंजाब में तय जगह पर पहुंचाए जाते थे और फिर पाकिस्तान से एक ऐप के जरिए गुरप्रीत को वो लोकेशन भेजी जाती थी जहां इनकी सप्लाई होनी है। भंडारा में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है जहां एक युवक पर मस्ती मजाक भारी पड़ गया। आपसी विवाद में दोनों मित्रों ने अपने ही दोस्त का खून कर दिया। इस मामले के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। भंडारा में एक ऐसी घटना हुई जहां एक साथ घूमने गए दोस्तों ने एक दूसरे का मजाक उड़ाया और आपसी विवाद में दो युवकों ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। अदयाल थाना क्षेत्र के तीरी मिनसी में दोस्त की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान 27 वर्षीय कुशल सुरेशराव भरने और 21 वर्षीय निखिल हमदेव मेश्राम के रूप में हुई है, जबकि मृतक की पहचान 27 वर्षीय बाला उर्फ राकेश रामभाऊ कुवे के रूप में हुई है। काल संध्याकाळच्या वेळी राकेश कुवे जो सदर गुन्ह्यामध्ये मयत आहे, राकेश उर्फ बाळा कुवे आणि त्याच्यासोबत त्याचे मित्र कुशल भरणे आणि निखिल मेश्राम असे तिघेजण भंडारामध्ये एका दारूच्या गुत्त्यावरती दारू पिण्याकरता एकत्र बसले होते। त्या ठिकाणी दारू पिऊन झाल्यानंतर जेवणाचा कार्यक्रम त्यांनी ठरवला की आपण जेवायला जायचं आहे ठरवाडला, परंतु त्याच्या अगोदर आपसामध्ये काहीतरी छोट्या मोठ्या कारणावरून दोघांमध्ये वाद झाले। कुशल आणि बळू दोघांमध्ये वाद झाले, त्याच्यानंतर जेवणाचं कार्यक्रम ठरवलं तरी तिघे निखिल मेश्राम, बाळा कुवे आणि कुशल भरणे हे तिघेजण भरगावला जाण्यासाठी बाहेर निघाले। त्याच्यानंतर ठरलं की मध्ये जंगल फिरायचं आहे, जंगल फिरण्यासाठी बाहेर गेले। जंगल फिरता फिरता लघुशंकेसाठी गाडी थांबवली, त्या ठिकाणी जो कुशल भरणे आहे हा लघुशंकेसाठी थांबला। त्यानंतर पुढे जाण्याची इच्छा व्यक्त केली मैताने की अजूनही आपण जंगल फिरू, त्यावेळी कुशल भरणेने सांगितलं आता पुढे जायचं नाही आपण परत जाऊ, त्यावरून परत वाद झाला। त्या जो मयत आहे त्याच्याजवळ चाकू होता, चाकूसोबत घेऊन गेले होते, कारण जंगलामध्ये काही अडचण नको म्हणून ते ठरवून चाकू घेऊन गेले होते। तो चाकू हातात घेऊन त्याच्याशी बोलत असताना आरोपीने कुशल भरणेने त्याच्या हातातला चाकू घेऊन त्याच्या छातीवरती आणि हातावरती वार करून त्या ठिकाणी त्याला ढकलून दिलं आणि खाली पडून हे दोघे परत निघून आलेले आहेत। यामध्ये तांत्रिक आणि CCTV याची मदत घेऊन माननीय पोलीस अधीक्षक वसंत जाधव सर, तसेच अपर पोलीस अधीक्षक भारती सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि आमचे सायबरचं पथक MPI पाटील आणि त्यामधील कर्मचारी स्नेल SBA आणि सुमेर यांच्या मदतीने हा गुन्हा उघडकीला आणलेला आहे आणि सध्या आरोपी खड्याळ पोलिसांच्या ताब्यामध्ये आहेत। अटकेची प्रक्रिया चालू आहे। किती आरोपी आहेत? 2 आरोपी आहेत, कुशल भरणे आणि निखिल मेश्राम हे 2 आरोपी आहेत। 302 गुन्हा दाखल झालेला आहे, यामध्ये दोघांमध्ये सामील असल्या कारणाने दोघांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे। खबरों के सिलसिले में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय।
सब जानना चाहते हैं। मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश। पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। के बाद आप सभी का स्वागत है। अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखने के लिए जूझ रहे दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों की इंडियन प्रीमियर लीग में गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाजों के सामने कड़ी परीक्षा होगी और उन्हें टीम की उम्मीदें जीवंत रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। दिल्ली को 9 मैचों में से 5 में हार का सामना करना पड़ा है, जिससे उसके प्रदर्शन और टीम संयोजन पर सवाल उठने लग गए हैं। मुख्य कोच रिकी पोंटिंग के चहेते ललित यादव अभी तक अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं, जबकि एनरिक नोरकिया का खास उपयोग नहीं किया गया है, जिन्हें दिल्ली ने नीलामी से पहले टीम में बनाए रखा था। ऑलराउंडर ललित ने अभी तक 9 मैचों में केवल 137 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 110 से कम है। उन्होंने 4 विकेट लिए हैं। दिल्ली के गेंदबाजों में कुलदीप यादव 17 विकेट और खलील अहमद 11 विकेट को छोड़कर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाया है। मुस्ताफिजुर रहमान टुकड़ों में ही अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं। दिल्ली का कोई भी बल्लेबाज अपने प्रदर्शन में निरंतरता नहीं रख पाया है। कप्तान ऋषभ पंत 234 रन ने अपने आक्रामक तेवर दिखाए हैं, लेकिन वह लंबी पारी नहीं खेल पाए हैं। उनका सनराइजर्स के तूफानी गेंदबाज उमरान मलिक से मुकाबला देखने लायक होगा। मलिक का उपयोग पावर प्ले के बाद ही किया जाता रहा है और तब पंत के क्रीज पर होने की संभावना है। पृथ्वी शॉ ने शुरू में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन वह इस लय को बरकरार नहीं रख पाए, जबकि डेविड वार्नर को अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलना होगा। दिल्ली के बल्लेबाजों के लिए हालांकि भुवनेश्वर कुमार, उमरान, टी नटराजन और मार्को यानसेन के सामने काम आसान नहीं होगा। सनराइजर्स के गेंदबाजों ने अब तक अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है और वे अपनी टीम के अंकों को 10 से 12 पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली के लिए यही अच्छी खबर है कि उन्हें वाशिंगटन सुंदर का सामना नहीं करना होगा, जिनके हाथ में फिर से चोट लग गई है। उनकी जगह जगदीश सुचित को अंतिम एकादश में जगह मिलने की संभावना है। कामठी नागपुर रोड स्थित खैरी शिवारा में मंगलवार रात नारायण ठाकरे का एक्सीडेंट हो गया था। वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज उनकी मौत हो गई। खैरी गांव के सरपंच मोरेश्वर कापसे ने आरोप लगाया है कि नागपुर कामठी हाईवे पर खराब गुणवत्ता वाले काम के चलते यह हादसा हुआ है। याचं कारण एकच आहे की जे उपलवाडी ते कामठी म्हणा किंवा कन्हान म्हणा, यापर्यंत जो मी तर महाराष्ट्रामध्ये असा रोडच नाही पाहिलेला आहे का ते निष्कृत दर्जाचा बनलेला आहे आणि एवढाही बनूनसुद्धा
माझी विनंती आहे या केंद्र सरकारला की ज्या कंपनीने बनवलेला आहे त्या कंपनीनं ज्या ज्या खेडेगाव आहे कुठं अजून काही दवाखाने आहे त्या त्या ठिकाणी जिथं क्रॉसिंग दिलं आहे त्या त्या ठिकाणी त्यांनी झेब्रा क्रॉसिंग लावावं आणि याकरता मी सरपंच संघटनेच्या अध्यक्ष या नात्याने माननीय प्रादेशिक अधिकारी जिचकार साहेब यांनासुद्धा निवेदनसुद्धा 2-3 दिले आहे आणि अशा छोट्या मोठ्या घटना कुठंतरी होणे थांबेल आणि मी माननीय या नागपूरचे नितीनजी गडकरी केंद्र हे केंद्रीय मंत्री यांनासुद्धा मी आपल्या वतीने विनंती करतो की जे काही ॲक्सिडेंट होऊन राहिले याकरता थांबवण्याकरता त्यांनी या रोडचं रोडचं जे काही उपाययोजना आहे त्या ताबडतोब करून सन्यानी कुठंतरी या होणाऱ्या ॲक्सिडेंटला थांबवता आलं पाहिजे. धन्यवाद, एवढंच माझं म्हणणं आहे. सायंकाळी 6:30 माझा भाऊ नोकरीवरून येत होता, ड्युटीवरून येत होता, तर तिथे एका अज्ञात ऑटोने त्या मोटर वाहनाला धडक दिल्या कारणाने तो पडला, त्यामुळे त्याला आशा हॉस्पिटलमध्ये भरती केलं. तिथे 2 दिवस ठेवल्याच्यानंतर आज 11:30 त्याला मृत घोषित करण्यात आलं. त्याच्या परिवारामध्ये 2 मुलं आणि 1 मुलगी आहे. अत्यंत एकदम गरीब घरातून आलेला आहे, त्याला BPL घरसुद्धा मिळालेलं आहे. गरीब परिस्थिती अशी आहे त्याची पूर्ण. VKB न्यूज के लिए ऐश्वर्या के साथ कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट. राज्य में जब हनुमान चालीसा और मस्जिद पर बहस चल रही थी तब दिग्रस में हिंदू मुस्लिम एकता का दर्शन हुआ. रमजान ईद और अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मुस्लिम शिव जयंती उत्सव समिति और अमन शांतिदूत परिवार की पहल पर हिंदू भाइयों को हनुमान चालीसा, अजान और नमाज की किताबें वितरित की गई. दिग्रत में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर संकट मोचन हनुमान मंदिर के सामने हनुमान चालीसा और नमाज की किताबों का वितरण किया गया. दिग्रत संतों की भूमि है, यहाँ अक्सर हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है. श्री रामनवमी, शिव जयंती, भीम जयंती, रमजान ईद, ईद ए मिलाद, श्री गणेशोत्सव, दुर्गोत्सव जैसे कई त्यौहार यहाँ हिंदू मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाए जा रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से राज्य में मस्जिदों पर अजान को लेकर विवाद चल रहा है, नहीं तो वहाँ हनुमान चालीसा का आयोजन होगा. इससे पूरे राज्य में तनाव का माहौल है. एक और हनुमान चालीसा और अजान का उपहार और दिग्रज में हिंदू भाइयों को जो नमाज है वह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है. इस अवसर पर पूर्व महापौर और भाजपा तालुका अध्यक्ष रविंद्र अरगड़े, पूर्व उप महापौर अजिंक्य मत्रे, शिवसेना शहर प्रमुख राहुल देशपांडे, पूर्व नगर सेवक किशोर साबू, केतन रत्न पारखी, विनायक दुधे, संजय चोपड़े, गोपाल शाह और विष्णु पाटिल उपस्थित थे. इस मौके पर मौजूद लोगों ने इस पहल की सराहना की. रवि राणा की तलोजा जेल से रिहाई हो गई है, इस पर राणा समर्थकों ने हार पहनाकर रवि राणा का स्वागत किया. साथ ही रवि राणा तलोजा जेल से बाहर निकलते समय उनके हाथ में हनुमान चालीसा भी देखी गई. नागपुर में माता अनुसुईया के जीवन चरित्र पर आधारित सिनेमा कल प्रदर्शित होने जा रहा है. अनुसुईया माता पर आधारित यह फिल्म 6 मई 2022 को रिलीज होगी. LLP हेमंत नागपुरे की फिल्म अनुसुईया पारटशिंगा निवासिनी 6 मई को पूरे महाराष्ट्र के सिनेमाघरों में दिखाई दी जाएगी. विजय जी मुदलियार, फिल्म के गीतकार निर्माता अशोक खोड़े की अपनी माँ की सेवा करने की लंबे समय से इच्छा थी, इसलिए यह फिल्म बनाई गई. कहानी माँ अनुसुईया के जीवन की कहानी पर आधारित है. वैसे तो माँ के भक्त पूरे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर है. यह फिल्म भक्तों के विशेष अनुरोध पर बनाई गई थी. यह सिनेमा पंचशील, राजविलास, PVR, मूवी फ्लेक्स ऐसी अन्य 5 से 6 सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी. इस सिनेमा की यह विशेषता है कि इसमें काम किए हुए सभी कलाकार विदर्भ के हैं. इस सिनेमा में कुल 6 गाने हैं. इसके बारे में एक ये धार्मिक फिल्म है, एक माता आई अनुसुईया उनके जीवन चरित्र पर चित्र है ये फिल्म है और कल 6 मई को रिलीज हो रही है ऑल ओवर महाराष्ट्र. तो मुझे लगता है कि आप सब लोग देखना चाहिए और माँ के भक्ति का आनंद लेना चाहिए. सर, नागपुर में कौन से थिएटर्स में ये रिलीज होने वाला है? नागपुर में पंचशील, PVR इम्प्रेस मॉल, इन्फिनिटी मॉल और अपना ये राजविलास, ये 4 थिएटर. इसके अलावा भी अभी चल रहा है 1-2 थिएटर, हो सकता है बढ़ जाए. अभी फिलहाल 4 थिएटर फाइनल है. सर, एक ही लैंग्वेज में है क्या सर ये? ये मराठी लैंग्वेज में है. रिलीज के बाद हम हिंदी डब करके बाद में हिंदी में रिलीज करेंगे, हिंदी और तेलुगु. और इस मूवी के माध्यम से आप कौन सा संदेश देना चाहते हैं? ये माता के फॉलोअर्स के लिए कि जब माता की प्रसिद्धि प्रचार होना चाहिए था और वो उसी के लिए फिल्म बनाई गई. इस मूवी की शूटिंग कौन से क्षेत्र में हुई? ये शूटिंग जो रामटेक में एक सेट लगा था, पूरे गांव का सेट लगा था रामटेक में हुई है.
नागपुर पारट सिंगा हैदराबाद कर्नाटका और उसके बाद सिडनी। और कलाकार कहाँ पे? ऑलमोस्ट कलाकार विदर्भ के ही ज़्यादातर है। और अनुसया माता की जो भूमिकाएं हैं वो तीन विभाग में दिखाई गई है। जी जी हाँ, माता का तीन रूप दिखाया गया, बालपन, युवावस्था और ओल्ड एज। अच्छा, तो बालपन में वैष्णव ठाकुर है और युवावस्था में दीपा पाल है और उदास में गायत्री घाट ने रोल किया। और ये किस प्रकार से दिखाई गई है सर? ये जो अपना गैप के वाइज दिखाया गया, उनका जो जीवन चरित्र था शुरुआत से गेंद तक, हम लोगों ने गैप गैप देके दिखाया गया। उनकी पूरी कहानी तो एक फिल्म में बैठेगी नहीं, इसलिए हमको उसको थोड़ा सा गैप देके ये किया गया। और ये कितने समय की बनी है, मतलब कितने घंटे? ये 2 घंटा 40-45 मिनट की बनी हुई है। आउटपुट क्या मिल रहा है सर एक्चुअल में? अभी तो रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, अब होप कल अच्छा है, पहला शो है, आप लोग देखो और आप ही आपको बताओ, हम लोग तो देखेंगे, आप लोग भी देखो। इस मूवी के बारे में मैं कुछ, मैं माता का सेवक हूँ, माता की सेवा में जैसे मैं लगा, माता के अनुभव जो मुझे हुए, तो माता भक्तों पर कैसी कृपा करती थी हर एक भक्तों के, वो सब देख के इनको एहसास हुआ कि माता का जो दूर कैसे करती थी, ये वो सब देख के उसके बाद में जैसे भी संत जगह दुनिया के कल्याण के लिए पैदा होते हैं और ईश्वर का अवतार संतों के रूप में ही इस हाथ देखा जाता है, इसलिए इसमें माता जी में हमें शक्ति का अवतार है ऐसा महसूस हुआ और इस उनके उनके भक्ति का आनंद सभी लोगों को मिले, इसलिए ये चित्रपट का प्रयास किया गया। जितना हो सके उतना माता का प्रचार होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए, इसकी वजह से इनकी इच्छा थी कि माता पे फिल्म बननी चाहिए। इनके साथ ये विजय मुरलीहार जी थी, इन दोनों की दिली इच्छा थी कि जैसे सिडनी के साई बाबा पे बनी है, गजानन महाराज पे बनी है, ऐसे सभी संतों पे बनी है, तो माता पे भी बननी चाहिए और माता का प्रचार प्रसार होना चाहिए, तो इनकी इच्छा इन्होंने प्रकट की और फिल्म में निर्माण चुना। तो आज के इस प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।